बिहार में सुशासन की सरकार है और शराबियों की बहार है। जी हाँ, आपने यह सही सुना। यह कहानी है मुंगेर जिला के लोहापट्टी बाजार की, जहाँ एक शराबी घंटों तमाशा बना रहा। जो घंटों बीच सड़क पर शराब के नशे में लेटा रहा, लोग यहाँ तक कि कानों में पानी देकर और कई तरह से शराबी को होश में लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद भी शराबी को होश तक नहीं आया। परंतु जब कैमरे में उनकी हरकत कैद होने लगी तो शराबी के शरीर में थोड़ी सी हलचल दिखी, पर नाम मात्र का। अंत में स्थानीय दुकानदारों द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, पर पुलिस को सूचना देने के घंटों बाद कोई कार्रवाई न होते देख स्थानीय लोगों ने पत्रकारों को सूचना दिया। सरकार को शराब के बारे में आईना दिखाते हुए यहाँ के लोग दिखे। हद तो तब हो गई जब विजयादशमी के दिन हुए हिंसक झड़प में मृतक अनुराग को न्याय दिलाने के नाम पर नेताओं द्वारा कार्यक्रम रखा गया था, फिर भी शराबी की इतनी हिमाकत तक कर रखी थी कि उन्हें दुनिया में शराब के नशे के सिवा दूसरा ना तो कुछ दिख रहा था ना सोच पा रहा था। अब आने वाले दिन में सुशासन की सरकार के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जिन शराबबंदी को उन्होंने लागू कर रखा है, प्रशासन के कदम उन नियमों को लागू करवाने में मुंगेर को कितना आगे लेकर जाती है, या फिर शराबबंदी के नाम पर मुंगेर में भ्रष्टाचार इसी तरह चलता रहेगा। फक्र के साथ बोलते हैं कि बिहार में शराबबंदी कहीं शराबबंदी नहीं है। नमूना देखिए, मंत्री कार्यक्रम में भी इसी तरह लोग जाते हैं। हमने प्रशासन को खबर किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये अगर जान दे उसके बाद बोलेंगे ये बीमारी से मर, ये बीमारी से नहीं मर, ये शराब पीकर मरने की कगार पर है। सरकार का हर सारी फैल है के आयोजन सुशासन करने के लिए कागजों में है, सुशासन के आयोजन की नजर में एक इंसान नरेश गुप्ता करने के बाद सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, शासन कोई आयोजन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक घंटा से यहाँ सरकार के परिवार को बड़ी दुर्गा महारानी जी के विसर्जन के क्रम में लाठीचार्ज है। बेकापुर का लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं। इन्होंने धरना का जो आयोजन किया देश अध्यक्ष राष्ट्रवादी के लिए श्रमिक पर उनकी जितनी